कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बीजेपी कुमारस्वामी सरकार की इस असफलता को भुनाने की तैयारी में है। बीजेपी नेता कुमारस्वामी पर इस्तीफे का दबाव बनाते हुए आज राज्यपाल से मिलकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश 17 जुलाई को एचडी कुमारस्वामी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इससे पहले स्पीकर ने मंगलवार को कांग्रेस और जेडीएस के सभी 13 विधायकों के इस्तीफों को मंजूर करने से मना कर दिया। स्पीकर ने कहा है कि पहले वो पूरे वाक्य को गहराई से समझेंगे, उसके बाद कोई भी फैसला करेंगे। इस बीच स्पीकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि अब तक इस्तीफा दे चुके किसी भी विधायक या उनसे मुलाकात नहीं की है। विधायक को इस्तीफा देने के लिए मेरे पास आना होगा। अगर पोस्टल सर्विसेज से ही इस्तीफे मंजूर होने लगे तो यहाँ पर मेरा क्या काम। स्पीकर का कहना है कि पहले वो विधायकों की बात सुनेंगे, फिर कोई कार्रवाई की जाएगी। इधर लंबित कांग्रेस विधायक रोशन बेग ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तक गठबंधन के 14 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं। इससे पहले 2 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस जेडीएस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इस तरह अब तक 16 विधायकों ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार का साथ छोड़ दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य में जारी संकट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि अब हमारी संख्या कांग्रेस जेडीएस विधायकों से अधिक है। हम करीब 107 हैं, उनकी संख्या 103 है। राज्यपाल को अब सरकार बनाने के लिए भाजपा को बुलाने का फैसला करना चाहिए। कुल मिलाकर विधानसभा के स्पीकर और राज्य के गवर्नर पर अब बहुत कुछ टिका हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को संभाल नहीं पा रही है, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है और इल्जाम आयद कर रही है बीजेपी पर। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वहाँ नंबर वन पार्टी, विधानसभा में भी नंबर वन रहे, लोकसभा में भी हमने 26 सीटें जीती। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उनके विधायकों का अपनी ही उनकी पार्टी से मोह। बीजेपी के प्रदेश के उन्नत हाई लेवल डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल जी को मिलेंगे और एक ही मुद्दा है, यहाँ के गवर्नमेंट अल्पमत में आ गया, तुरंत मुख्यमंत्री जी